शेख रशीद ने मौलाना और हुकूमत पर तनकीद के बादलों की बरसात कर दी। मौलाना के धमकी आमेज बयान इंतशार पैदा करेंगे, आटे और घी का कहर पड़ने वाला है, शेख रशीद ने दावा कर दिया। ट्विटर पर शेख रशीद ने मजीद क्या लिखा, आइए जानते हैं। साबिक वजीर दाखला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने बयान में कहा कि मौलाना फजल रहमान के धमकी आमेज बयान मजीद इंतशार पैदा करेंगे और लिखा कि चॉकलेट बेचने वालों को बताना चाहता हूं कि आटे और घी का कहर पड़ने वाला है। 3 रुपए पेट्रोल में कमी और 9 रुपए डीजल में इजाफा कौम के साथ मजाक के मुतरादिफ है। शेख रशीद ने हुक्मरानों को आड़े हाथों लेते हुए लिखा कि हुक्मरानों के जाती कारखाने ही चल रहे हैं, गरीब के घर का खाना खराब हो गया है। खाम माल में पाबंदी से बरामदात 25% कम हो गई हैं, जबकि 38% महंगाई बढ़ेगी। फॉरेन रिजर्व कम होंगे तो अफराते ज़र ही नहीं बल्कि मुईशत का पहिया भी जाम हो जाएगा। हर महीने 200 फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और 100% क्राइम बढ़ गया है। शेख रशीद ने मजीद कहा कि अगर हिम्मत है तो वुजरा PDM के इजलास के बजाय अवाम में जाकर अपनी सफाई पेश करें।